हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो गाइस, फाइनली वो डे आ गया है जब आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स एग्जाम आ गया है। कल ही आपके सामने एग्जाम है, यानी कि 18 नवंबर को। तो फाइनली ये डेट आ चुकी है। तो क्या मेरी तरफ से या हमारे आई एग्जाम बी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए टिप्स हो सकते हैं, क्या आप चीज़ें कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे किस तरह का एटमोसफेयर आप रख सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले, ये सब बात हम इस वीडियो में करेंगे। फटाफट से करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। शॉर्ट में आपको बताऊंगा, साथ में ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें कैरी करना है ना, थिंग्स टू कैरी भी मैं आपको इसमें बताऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज़ें मिस ना हो पाए। काफ़ी स्टूडेंट्स का देखा गया है कि एग्जाम में छूट जाता है चीज़ें ना होने की वजह से, तो उन चीज़ों से बचने के लिए वो चीज़ें करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। तो फिर बात करते हैं थिंग्स टू कैरी में। तो एडमिट कार्ड, जो हमारा हॉल टिकट जिसको बोला जाता है, जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, IBPS वेबसाइट से, जो आपको डाउनलोड करना है। लिंक आपको ऑलरेडी मिल गिवन है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा दूंगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा। उसका ओरिजिनल कॉपी में आप लेकर जाइएगा, मतलब, और उस पर जो फोटो की जगह होती है वहाँ पर अभी मत लगाइए, वहीं पर लगा लीजिएगा सेंटर पर। और कोशिश कीजिए कि फोटो सिमिलर ही हो, नहीं भी है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि सिमिलर फोटो जो वहाँ पर लगा हुए हैं वही फोटो आप लेकर जाए। उसमें नीचे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, वो आपको अभी नहीं फिल करना है। वो एग्जाम की जो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक स्क्रीन वहां पर फ्लैश होती है, वहां पर वो मैसेज शो होता है जो आपको यहाँ पर लिखना होता है, तो उसको वहीं पर हम एग्जाम में लिखेंगे। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। कॉपी कलर्ड हो, जेरोक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई इसकी फर्क नहीं पड़ेगा। फोटो आईडी लेकर जानी है अपनी, जिसमें कि आधार आप लेके जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, कोई भी आईडी जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वो गवर्नमेंट ऑथराइज हो, आप उसको लेकर जाइएगा विद जेरोक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरोक्स भी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है, दोनों चीजें उस आईडी की आपको लेकर जानी है। तीन फोटोज आप लेकर जाइएगा, ये मैंडेटरी चीज है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव में अपने पेन, वैसे पेन अभी अलाउड नहीं करते हैं, वाटर बॉटल वगैरह का टाइम नहीं होता है पानी पीने का एग्जाम में, तो इतना परेशान नहीं होना। ये मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको लेकर ही जानी है अपने एग्जाम में, इनको आप लेकर जाइएगा। टिप्स आप देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत जरूरी है देखो इस एग्जाम में कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस एग्जाम की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो कहीं भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए किसी क्वेश्चन में। तो कॉन्फिडेंट होकर जाना, अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करके जाना कि आपने जो पढ़ा है वो रेलेवेंस पढ़ा है, रेलेवेंट पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें चूजिंग ऑफ क्वेश्चन जो हमारा एक तरीका होता है ना, क्वेश्चन को चूज कर करके करने का, चूजिंग ऑफ क्वेश्चन को इसमें आप अवॉइड करना, स्किपिंग को अवॉइड करना, क्वेश्चन को स्किप करने को अवॉइड करना गाइस। इसमें इतना टाइम नहीं है कि आप पहले वो क्वेश्चन करो कि जो इजी लेवल के हैं, जो आपको इजीली हो जाते हैं, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन पर आओ। जैसे कि हम क्वांट्स में बात करें तो पहले आप सिंप्लीफिकेशन करो, या फिर बाद में अरिथमेटिक पर आओ, DIs पर आओ। इसमें देखो तो इतना टाइम नहीं है और इतना स्कोप भी नहीं है, कट ऑफ इतना हाई जाता है इस बार, तो वैकेंसीज भी और सालों के हिसाब से कम है, तो कट ऑफ और हाई जाने की उम्मीद रहेगी ऑब्वियसली, बाकी तो पेपर पे डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें ना स्कोप नहीं है किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने का, तो जो भी पहला क्वेश्चन आ जाए उसी से स्टार्ट करना और करना ही है पूरा का पूरा, चॉइस नहीं है इसमें, ठीक है। तो चूजिंग ऑफ क्वेश्चन इसमें अवॉइड करना, मतलब यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले पेपर देख लें फिर सॉल्व करने बैठे, अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको करने ही है सारे। थर्ड, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में फंस गए फिर भी लगे पड़े हैं उसे करने में, नहीं, अगर कोई पजल है, पजल में ज्यादा वैसे दिक्कत होती है ये रीजनिंग में, तो 30 सेकेंड्स दीजिए, लग रहा है कि बन जाएगी, समझ में आ जाएगा तो करिए, वरना स्किप करिए। हालांकि इतने डिफिकल्ट इसमें चीजें आती नहीं है, जो चीज एग्जाम ये लेवल रहेगा वो ईजी ही रहेगा, मॉडरेट भी नहीं रहेगा, ईजी लेवल का एग्जाम आएगा आपका, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, वो आराम से बन जाएंगे। और जो कई बार क्या होता है, क्वांट्स में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टाइप के अरिथमेटिक के टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पर हम ट्राई करते हैं रिकॉल करने का शॉर्टकट्स को। देखो, शॉर्टकट्स अगर आपने प्रैक्टिस में की है तो वो ऑब्वियसली आपका हाथ उधर ही चलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप उनको याद करने बैठ जाओ कि यहाँ पर तो एक शॉर्टकट थी उसको याद कर, तो नहीं, एग्जाम में जो भी मेथड आपको क्लिक करे माइंड में उस मेथड से सॉल्व कर लेना उसको, रादर कि आप मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो शॉर्टकट्स को रिमेंबर करने में, नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस में कोई शॉर्टकट अपनाई है तो आपके एग्जाम में वो मतलब आपका पैर हमेशा उधर ही चलेगा, लेकिन नहीं है तो उनको रिकॉल करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और डू नॉट मार्क क्वेश्चंस फॉर रिव्यू के लिए, क्वेश्चन मार्क मत करना, कई बार हम करते हैं जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में, इसमें मत करना, इसमें इतना टाइम नहीं है, है ना। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीचेकिंग से बचना या रिकन्फर्मेशन से बचना, रिकन्फर्म नहीं करना,
क्वेश्चंस को हम कर देते हैं, फिर दोबारा से एक बार क्रॉस चेक करते हैं करने के लिए, वो मत करना, टाइम नहीं है। कॉन्फिडेंट अगर रहोगे तो ये रीचेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, तो उसको भी बचना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, आप इनको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। और एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम सबका अच्छा होगा। एग्जाम के बाद एग्जाम एनालिसिस के साथ हम यहीं मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका एग्जाम से पहले, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो के, ठीक है, किस तरह का फील कर रहे हैं बताइए। और डेफिनेटली एग्जाम के बाद एनालिसिस के साथ मिलेंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप लोग अच्छे से एग्जाम कीजिए, मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।